students and parents, hope you all are well. Today we will do in book 7. Today we will do page number 35. Now students, you also open your book and take out your pencil and eraser. Today we will do jumble up 1. Okay, यहाँ पे क्या है? आपको इमेज दिया है और नीचे उसका स्पेलिंग दिया है. वो जो स्पेलिंग दिया है वो 4 लेटर का है और उसमें क्या है, सारे जो लेटर है वो उलट सुलट कर दिए. तो हमें उसको अच्छे से अरेंज करके जो इमेज दिया है उसका स्पेलिंग बना के हमें लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर द फर्स्ट इमेज इज, आपके बुक में यहाँ पे क्या इमेज है, नोज. तो नोज का स्पेलिंग क्या होता है, एन ओ एस ई. और यहाँ पे क्या दिया है, एस ओ एन ई. उसमें से क्या बनेगा, एन ओ एस ई. ओके, नोज बनेगा. तो वो हमें यहाँ पे अच्छे से लिखना है, एन ओ एस ई. ओके, नोज. ओके, आफ्टर दैट हियर देयर इज अ इमेज ऑफ अ होम. आपकी बुक में क्या इमेज है, होम का इमेज है. ओके, तो यहाँ पे क्या स्पेलिंग है, एम ओ ई एच. उसमें से हमें होम बनाना है, तो क्या स्पेलिंग होगा होम का, एच ओ एम ई, होम. ओके, एच ओ एम ई, होम. ओके, आफ्टर दैट हियर देयर इज अ इमेज ऑफ अ ट्यूब. ओके, ट्यूब है तो हमें यहाँ पे ट्यूब का स्पेलिंग लिखना है. ओके, बी यू टी ई है, उसमें से हमें ट्यूब बनाना है, टी यू बी ई. ओके, टी यू बी ई, ट्यूब. ओके, आफ्टर दैट हियर देयर इज अ इमेज ऑफ अ कोन. यहाँ पे आपको कोन दिया हुआ है और यहाँ पे कोन का स्पेलिंग जंबल है, ओ सी एन ई. उसमें से क्या बनाना है, हमें कोन बनाना है, सी ओ एन ई, कोन. ओके, सो हियर आई विल राइट सी ओ एन ई, कोन. ओके, आफ्टर दैट हियर देयर इज अ इमेज ऑफ अ म्यूट. स्पीकर है, उसको आवाज बंद किया है, दैट नोन एज म्यूट, मतलब उसका आवाज बंद रखना है. ओके, दैट इज नोन एज म्यूट, एम यू टी ई. तो यहाँ पे एम यू ई टी है, तो उसका हमें सही करना है, एम यू टी ई, म्यूट. एम यू टी ई, म्यूट. आफ्टर दैट हियर देयर इज अ इमेज ऑफ अ नोट. जब भी हम कोई पेन और पेपर से कुछ भी चीज लिख लेते हैं, दैट इज नोन एज नोट. तो यहाँ पे हमें टी ओ एन ई है, उसको ठीक से करना है, तो क्या लिखना है, नोट, एन ओ टी ई, नोट. ओके, आफ्टर दैट हियर देयर इज अ इमेज ऑफ अ रो. रस्सी दिखाइए आपकी बुक में. ओके, तो आर पी ओ ई है, उसको ठीक करना है, तो रो का स्पेलिंग क्या होगा, आर ओ पी ई, रो. ओके, आर ओ पी ई, रो. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट हियर देयर इज अ इमेज. यहाँ पे क्या दिखाया है, यहाँ पे 3 इमेजेस दिखाया है पर बड़े वाले को पॉइंट आउट करके दिखाया है, मतलब वो कैसा है, ह्यूज है, सबसे बड़ा है, दैट इज नोन एज ह्यूज. तो ह्यूज का स्पेलिंग क्या होता है, एच यू जी ई. यहाँ पे ई एच यू जी दिया है, उसको सही करना है हमें, स्पेलिंग क्या होगा, एच यू जी ई, ह्यूज. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू कैन राइट दिस. ओके, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रेसिंग करना है. ओके, आपको ऐसे अरेंज करके जैसे मैंने ये लिखा है वैसे आपको लिखना है बुक में. ओके स्टूडेंट्स, सो यू कंप्लीट दिस मच ऑफ वर्क. ओके, द रिमेनिंग पार्ट दैट वी विल डू इन नेक्स्ट टाइम. नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्टे सेफ एट होम.